बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आज हम इसमें ग्रामर करेंगे टेंसेस की, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर आपने इसके बारे में कोई कमेंट या सजेशन देनी हो तो आप फेसबुक पेज पाकिस्तान होम स्कूल पे दे सकते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज आल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। द पास्ट टेंस इट शोज दैट एन एक्शन दैट है स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। एक अमल शुरू हुआ माजी में जो कि कुछ देर जारी रहा, और इसमें हैड बीन यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। जैसे ये एक सिचुएशन है कि अहमद जो है वो कप लेट, अहमद देर से उठा। ही डिड नॉट हैव टाइम टू टेक शावर और ईट ब्रेकफास्ट। उसके पास टाइम नहीं था कि वो शावर लेता या नाश्ता करता। ही फॉरगेट टू टेक हिज वॉलेट, वो अपना वॉलेट या बटवा लेना भी भूल गया। ही कुड नॉट बाय अ बस टिकट, इस वजह से वो बस टिकट ना खरीद सका। ही वॉज हंग्री एंड ही स्मेल्ड बैड, वो भूखा भी था और उसके मुँह से स्मेल आ रही थी। तो क्या आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा, ही डिड नॉट हैव टाइम टू टेक अ शावर बिकॉज He had woken up late. उसके पास टाइम नहीं था कि वो शावर ले सकता क्योंकि वो सोकर देर से उठा था। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The child was eating cake. He had chocolate all over his mouth. वो चॉकलेट केक खा रहा था और उसके मुंह पे सारी चॉकलेट लगी हुई थी। ये दोनों काम जो हैं वो पास्ट में हुए हैं, माजी में हुए हैं। तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, द चाइल्ड हैड चॉकलेट ऑल ओवर हिज माउथ बिकॉज ही हैड बीन ईटिंग केक। हमने हैड बीन यूज़ किया और ईटिंग ईट के साथ हमने आई एन जी लगाया। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर बीन आएगा और फिर बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के साथ हम आई एन जी लगाएंगे। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर टू फॉलो इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इससे हम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस। और अगर हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड पहले आ जाएगा, हैड दे बीन प्लेइंग टेनिस, और हम एंड में इसके क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाएंगे। इस तरह से हम तीनों टाइप के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू एन अदर एक्शन आर टाइम इन द पास्ट। जैसे द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, लड़के एक घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। एक और इसका यूजेज है कि टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कोई अमल माजी में हुआ और उसका दुरानिया बयान करना हो। जैसे अली नीडिड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months, अली को छुट्टी चाहिए क्योंकि वो 6 माह से सख्त मेहनत कर रहा था। फिर इसका है कोई वाकया माजी में हुआ हो उसकी वजह बयान करना। टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, वो थक चुका था क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था। तो हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दो पार्ट हैं, एक हैड प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, यूज हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, रेडी सेट प्रैक्टिस। हमारी बुक में जो है
कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हमने वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से उनको फिल करना है. जैसे सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ ही डैश रन. आउट ऑफ ब्रेथ उसका सांस फूला हुआ था और वो चेयर के ऊपर बैठा था. तो क्यों? इसलिए कि वो ही हैड बीन रनिंग. स्लीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ, उसका सांस फूला हुआ था बिकॉज ही हैड बीन रनिंग. वो जो है वो बहुत देर तक दौड़ता रहा. फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी डैश वॉक अलॉन्ग द रोड फॉर 20 मिनट्स व्हेन आ कार स्टॉप एंड द ड्राइवर ऑफर्ड अस द लिफ्ट. हम सड़क के किनारे चल रहे थे जब एक गाड़ी आई और उसने हमें लिफ्ट दी. तो वी हैड बीन वॉकिंग, हम चल रहे थे अलॉन्ग द रोड फॉर 20 मिनट्स. तो हैड बीन वॉकिंग आएगा हैड के साथ बेस और ing. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई डैश डू माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन माई फ्रेंड केम. मैं अपना होमवर्क कर रहा था 2 घंटे से जब मेरे दोस्त आए. आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन माई फ्रेंड केम. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे डैश टेक एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. तो हैड आएगा और टेकिंग बेस के साथ ing. तो प्यारे बच्चों, हमें हेल्दी रहने के लिए हमारे पास 6 कंपोनेंट्स का ख्याल रखना चाहिए. फिजिकल के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, इमोशनल के लिए अपने पेरेंट्स और अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, मेंटल के लिए हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना चाहिए, सोशल लोगों के काम भी आना चाहिए, और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए हमें अपने रब को जानना चाहिए. मेरा और आपका रब कौन है? अल्लाह ताला. और अल्लाह ताला ने हमारे नबी के ऊपर एक बड़ी बरकत वाली किताब नाजिल की है. हम अल्लाह से तब कनेक्ट हो सकते हैं जब हम इस किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें, हमें पता चले हमारा रब क्या है, कौन है, उसने हमें दुनिया में किस लिए पैदा किया है, हम अपने रब के बंदे हैं और हमें चाहिए कि हम रब की बंदगी करें. तो असल में आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि अपने तर्जुमे से कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ना है. द पेशेंट डैश क्राई विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. जो मरीज़ है वो दर्द की वजह से चीख रहा था जब डॉक्टर पहुंचा. द पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद पेन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.